हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं देने वाला हूँ जुपिटर लेगेसी का एक क्विक रिव्यू और साथ ही साथ बात करूंगा नेटफ्लिक्स पैरामाउंट प्लस के ओटीटी अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले जुपिटर लेगेसी सीजन 1 जो कि एक साइंस फिक्शन टीवी सीरीज है, सुपर हीरो टीवी सीरीज है, हिंदी इंग्लिश में आ चुकी है, तो नेटफ्लिक्स पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिव्यू के बारे में। तो जुपिटर लेगेसी सीजन 1 में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। 8 एपिसोड कमाल के हैं, साइंस फिक्शन टाइप के हैं और एक्शन सीन थोड़े कम हैं। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहोगे कि भाई आपने सब झूठ झूठ बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टीवी सीरीज आपको दो टाइमलाइन में देखने को मिलेगी जो कि एक 90s की होगी और एक 60 साल बाद होगी जब इनको 5 कैरेक्टर को सुपर पावर मिल जाती है। अगर आपको पर्सनली कहना चाहूँ तो मुझे वो बैक स्टोरी ज़्यादा पसंद आती है इसमें, ना कि आने वाली फ्यूचर्स की। स्टोरी में सुपर हीरो ड्रामा फैमिली दिखाई गई है जिनके आने वाले बच्चों को जो पावर्स मिलती हैं वो उसकी कोई कदर नहीं करते हैं। तो कुछ इस टाइप का इस टीवी सीरीज का कॉन्सेप्ट है। और इसके अगर आगे फ्यूचर के अपडेट की बात करी जाए तो सीजन 2 आएगा। विलेन इसमें कौन होता है वो काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से दिखाया गया है, तो देखने लायक है। तो चलिए बात करते हैं ओटीपी अपडेट्स के बारे में। तो फाइनली टाइटन सीजन 3 की न्यू सेट इमेजेस आई है जिसमें कि हमें अर्कम सीन देखने को मिलेगा जो कि बैटमैन मूवीज की एक आइकॉनिक लोकेशन है जो कि हमें टाइटन में भी देखने को मिलेगी। तो सर फाइनली मार्क की एक मूवी आ रही है इन्फिटी जो कि पैरामाउंट प्लस पर रिलीज होगी, ना कि थिएटर्स में। पहले शायद थिएटर में रिलीज हो पर स्किप कर देंगे इस चीज़ को। मून नाइट की फर्स्ट सेट फुटेज सामने आई है जिसमें कि ईथन को हमें एक न्यू लुक में दिखाया गया है जो कि बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा है पर अच्छे लग रहे हैं। उसी के साथ लव डेथ प्लस रोबोट इसका सीजन 2 आने वाला है। पहला सीजन हिंदी में है तो जाके देख सकते हैं और दूसरे सीजन का जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत मैं अपडेट कर दूंगा। लावा दा ढावा फाइनली हिंदी में डब हो चुका है, जावेद जाफरी ने इसको डब करा जो कि बहुत ही कमाल के डबर हैं और देन मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आप जाके देख सकते हैं। जोरासिक वर्ल्ड कैंपस सीजन 3 फाइनली रिलीज होगा 21 मई को 2021 को और ये हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों सीजन पहले से हिंदी में अवेलेबल है। एक्सट्रीम जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है 4 जून को रिलीज होगी हिंदी इंग्लिश स्पेनिश लैंग्वेज में, तो जैसे ही और अपडेट आएगा इससे रिलेटिव मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। डॉग गॉन दी ट्रबल काफी टाइम पहले ये मूवी रिलीज हो चुकी है पर 28 मई को आपको ये हिंदी में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली। इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ ब्लू मिराकल जो कि 27 मई 2021 को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर जो कि एक ड्रामा फिल्म है और देखने लायक है और हिंदी में भी रिलीज होगी ये मूवी। उसी के साथ द लास्ट लेटर फ्रॉम योर लवर 23 जुलाई को ये रिलीज होगी मूवी, ड्रामा है, रोमांटिक है और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी हिंदी में। उसी के साथ अगली मूवी है जंगल बीट द मूवी, एनिमेशन है, एडवेंचर, अगर आपको एनिमेशन मूवी देखना पसंद है तो 14 मई को ये रिलीज होगी हिंदी लैंग्वेज में। उसी के साथ लास्ट अपडेट है जो कि कमाल का है, द कॉमेंसी मेथड। तो फाइनली इसका सीजन 1-2 हिंदी में नहीं है पर तीसरे सीजन का नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियली हिंदी ट्रेलर आ चुका है, तो जैसी और कन्फर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो गाइस ये थे वो काफ़ी सारे कमाल के अपडेट। तो गाइस बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है इजी मीडिया न्यूज़ के नाम से जो कि आपको प्ले स्टोर पर सर्च मारने पर टॉप पर मिल जाएगी, उसमें सारे न्यूज़, मार्वल डीसी, टीवी सीरीज, ओटीपी अपडेट्स और मूवी रिलीजिंग शेड्यूल भी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और उसमें अपना पर्सनल थॉट भी दे सकते हैं कि आपको ये पर्सनली कैसी लगी। तो एक बार जाके चेकआउट करो, फ्री है बिल्कुल, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।